वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फेस्टिव सीजन इज ऑन, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, राइट? आप सब लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, नए कपड़े, नए चीजें, तो क्यों नहीं इस न्यूनेस के साथ में हम अपनी वोकैबुलरी को भी इन्हांस करें। भाई हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज तो करते हैं बट वो आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे बदलते हुए दौर में, बदलते हुए मंथ के साथ में हम अपनी चीज़ों को, अपने एसेट्स को अपग्रेड करते हैं, क्यों नहीं हम अपनी वोकैबुलरी को भी अपग्रेड करें ताकि जब भी हम बात करें व्यक्ति को हमारे बात करने के अंदाज से न्यूनेस नज़र आए और साथ ही साथ में वो इम्प्रेस हो जाए। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 15 ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जिनको आप न्यू फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने आप को और पॉपुलर बना सकते हैं अपने पीयर ग्रुप में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट वर्ड है लेट। बहुत बार हम लेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमारे सेंटेंसेस में, बट लेट को हम अपग्रेड कर देते हैं अलाउ से। अलाउ अपग्रेड करने से क्या होगा, हमारी जो बोलने का ढंग है, हमारी जो वोकैबुलरी है, सेंटेंसेस है, ये थोड़े और प्रोफेशनल और अपडेटेड लगेंगे। कैसा लगेगा ये बोलना, अलाउ मी टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना। इंस्टेड ऑफ वही ओल्ड बोरिंग सेंटेंस, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, इट साउंड सो बोरिंग। व्हेन यू यूज द वर्ड अलाउ, इसके अंदर थोड़ा सा क्या हो जाता है, टचअप मिल जाता है इस सेंटेंस को, जिसकी वजह से बेहतरीन साउंड करता है। आइए देखते हैं सेकेंड वर्ड विच इज एनीवेज। मैनी टाइम्स वी से राइट एनीवेज, हाउ कैन वी रिप्लेस दिस वर्ड, वी कैन रिप्लेस दिस वर्ड विद नेवर्थलेस। नेवर्थलेस इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, ही वॉज वेरी टायर्ड, नेवर्थलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग। वो बहुत टायर्ड था फिर भी वो वॉकिंग पे गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जस्ट एक वर्ड को रिप्लेस करने से आपका जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो अपग्रेड हो जाता है। एंड अपग्रेडेड चीज अगर आप बोलते हैं तो डेफिनेट सी बात है यू बिकम पॉपुलर एंड पीपल लाइक टू हियर फ्रॉम यू। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वर्ड विच इज टायर्ड। बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना आजकल आप लोग, शॉपिंग करते हैं, फेस्टिव सीजन है, सो मेनी थिंग्स एंड इवेंट्स लाइंड अप। सो नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग टायर्ड, व्हाई कांट यू से एग्जॉस्टेड। द लॉन्ग जर्नी एग्जॉस्टेड द चिल्ड्रन, आई वाज सो एग्जॉस्टेड शॉपिंग ऑल द डे, व्हाई कांट यू यूज द वर्ड एग्जॉस्टेड। सी एकदम से ही आपके सेंटेंस को इसने अपलिफ्ट कर दिया। सो ट्राई यूजिंग द वर्ड एग्जॉस्टेड एंड नाउ डोंट यूज द वर्ड tired. Let's move on to the next, that is put in. बहुत बार हम बोलते हैं put in this, है ना? Put in की जगह पे if you will use the word insert, कितना अच्छा हो गया, कितना ज़्यादा आपका जो ये word है same चीज़ को express कर रहा है लेकिन एक better manner में. For example, please insert the pen drive in the CPU port. Isn't it so nice? Insert is again a very new word for put in, right? Let's move on to the next word, that is thanks. We always say thank you, thanks, thank you so much. Why can't we replace this word with gratitude? Gratitude is the new in, yes. So you can just use it in a sentence like, I extend gratitude to my parents for the love and support. Everybody uses the word thanks. It's so frequent. Now let's upgrade our vocabulary. We will be using, I extend gratitude to my parents for their love and support. Next word is got. Got को आप use कर सकते हैं as received. कैसे use कर सकते हैं? Received. You always say, okay, I got a complaint call. For example, I got a call. Why do you say I got? You can say like, she received a complaint from a customer. तो got को आपने किससे replace कर दिया? Received. Received. And ये जितने भी मैं words बता रही हूँ they're very common again जिनको आपको replace भी करना है, but होता क्या है हम traditional words को use करते हैं और इन जो uncommon words हैं या normal words हैं इनको हम use ही नहीं करना चाहते, right? Next is make sure. किसी को बोलते हैं ना make sure you do it, so instead of saying make sure why can't you say ensure. Make sure are again two words. If you will use ensure, it means the same. I will ensure that the car arrives by 6 o'clock, isn't it? तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे तो और बेटर आएगा. Let's use the next word, that is smart. बहुत बार बोलते हैं ना यू आर स्मार्ट. स्मार्ट को नए फॉर्म में यूज करते हैं. You can say it as quick-witted या फिर brainy.
फॉर एग्जाम्पल ही इज लाइवली एंड क्विक विटेड डिस्पाइट हिज एज, या फिर सारा वॉज जॉट इज ब्यूटिफुल बट क्वाइट ब्रेनी टू. तो आपने क्या किया, स्मार्ट नहीं बोला कि बेटा यू वेरी स्मार्ट, यू जस्ट टोल्ड देम ओ चाइल्ड यू आर सो क्विक विटेड, ओ चाइल्ड यू आर सो ब्रेनी, राइट. यू कैन यूज इट लाइक दिस. नेक्स्ट इज स्मॉल, है ना. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे हम स्मॉल बोलते हैं. वाई कैन वी से इट जस्ट लाइक इट्सी बिट्सी और कॉम्पैक्ट, है ना. कितना ईजी से वर्ड्स हैं एंड अगेन कितने अच्छे न्यू साउंड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ दीज इट्सी बिट्सी लिटिल हैंड्स एंड फीट, राइट. छोटा ऑफिस होता है, छोटा घर होता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग शी हैज़ अ स्मॉल हाउस, यू कैन से शी हैज़ अ कॉम्पैक्ट हाउस, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फनी. फनी, फनी में आप यूज कर सकते हो वैकी, वैकी के साथ में आप यूज कर सकते हो ह्यूमरस. वॉट यू कैन यूज ह्यूमरस. फॉर एग्जाम्पल द फिल्म दैट आई वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज क्वाइट ह्यूमरस. नेक्स्ट इज बैड. बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, है ना. कोई चीज़ हमें बुरी लगती है हम बोल देते हैं उसको. सो लेट्स यूज इट लाइक फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्लास गॉड ऑफुल, ऐसे आप यूज करिए इसको. अब थर्ड क्लास भी बोलते हैं बट इतना डाउन क्यों करना किसी चीज को, राइट. सो यू कैन जस्ट से इट लाइक इट वॉज अ सेकेंड क्लास थिएटर दैट वी वॉच द फिल्म इन, है ना. तो ऐसे करके यू कैन जस्ट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन टू सेंटेंसेज. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज गॉड ऑफुल पिज्जा, आई विल बाय इट फ्रॉम दैट प्लेस एनी मोर, ठीक है. इट वॉज गॉड ऑफुल पिज्जा, आई विल नॉट बाय इट फ्रॉम दैट प्लेस एनी मोर. नेक्स्ट इज लाफ्ड, हंसना. लाफ्ड का होता है डबल डप हो गया, ठीक है. यू कैन यूज इट लाइक दैट, ठीक है. क्रैक्ड अप हो गया तो वैसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है. इसमें अगेन आप कैसे इसको सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्ट stop cracking up when I see Krishna in the Kapil Sharma show. I can't stop cracking up when I see Krishna in the Kapil Sharma show. ठीक है. Next is happy. Happy होते हैं तो आप क्या होते हैं, elated होते हैं. क्या होते हैं, elated होते हैं. और क्या होते हैं, euphoric होते हैं. Euphoric. For example, एक अगर हम इसको sentence में use करना चाहे, she was elated to see her father after 2 years. She was elated to see. Maybe she stays outside, country में नहीं रहती है, वापस आई है. So we say she was very happy to see her father after 2 years. You can say she was elated to see her father after 2 years. Next is good. Good बोलते हैं, I'm good, I'm great. Why use these old words? Why can't you use like pleasant, delightful? I had a pleasant time on my travels abroad last year, है ना. It's so good to see you, है ना. ऐसे बोलते हैं. इसकी जगह अगर आप बोल दें कि it's so delightful to see you today, है ना. So this again expresses your happiness in another terms. Next is saw. Saw का मतलब क्या होता है, देखना. तो glanced, glimpsed, है ना. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई ग्लिम्स्ड एट हर, हर एनर्जी वाज सो पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल, राइट. सो दीज आर द वर्ड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस वर्ड्स विद सर्टन अदर वर्ड्स एंड मेक योर वोकैबुलरी, योर स्पोकन पार्ट अ बिट मोर एनहांस्ड, एंड यू कैन बिकम famous and popular amongst your peer group. Hope my this video, this festive season, serves your purpose and you start using these 15 words in this month itself. I'll be back with these kind of more videos if you say so. Do let me know in the comment section what you felt about this video. We'll meet soon with another set of videos. With this, thank you. Jai Hind.